सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती गुरुवार को प्रकाशोत्सव के रूप में धूमधाम के साथ मनाई गई। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित गुरुद्वारे में विशेष अरदास कीर्तन व भजनों के साथ कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख व सिंधी समुदाय के श्रद्धालु उपस्थित रहे। गुरुद्वारा में सिख समाज के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का 353वां जन्म दिवस गुरुवार को प्रकाश उत्सव के रूप में गुरुद्वारा कमेटी बाड़मेर द्वारा गुरुद्वारा के सेवाधारी अगुवाई के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। सिंधी सेंट्रल पंचायत के प्रवक्ता के अनुसार गुरुद्वारा में सुबह 9 बजे गुरु ग्रंथ साहिब का सहज पाठ हुआ। सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक शब्द कीर्तन और इसके बाद अरदास हुई। शब्द और कीर्तन में गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए उनके अनुयायियों ने उन्हें मनाने वालों को गुरु महिमा सुनाई। गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसवें गुरु थे। इन्होंने ही सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। साथ ही गोविंद सिंह ने खालसा वाणी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह भी दी। खालसा पंथ की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों और उनके सहयोगियों से लगभग 14 बार लड़े। उन्होंने जीवन जीने के 5 सिद्धांत भी दिए, जिन्हें 5 ककार कहा जाता है। 5 ककार का मतलब है क सबसे शुरू होने वाली उन 5 चीजों से जिन्हें गुरु गोविंद सिंह ने सिद्धांतों के अनुसार सभी खालसा सिखों का धारण करना होता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य की थी। ये है केश, कड़ा, कृपाण, गंगा और कच्चा। इनके बिना खालसा वेशपूर्ण नहीं माना जाता। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे के शब्द कीर्तन के बाद पास स्थित सिंधी धर्मशाला में दोपहर 1 बजे लंगर का आयोजन किया गया। सिंधी समाज के अध्यक्ष के नेतृत्व में सिंधी सेंट्रल पंचायत के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आयोजन में दिन भर सिख समुदाय के लोगों द्वारा गुरुद्वारों में तांता लगा रहा। गुरुद्वारे में आने वाले लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया। गुरुद्वारे में सिख धर्म के अनुयायियों के साथ सिंधी एवं अन्य धर्म के मनाने वाले लोग भी गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुँचे।